सम्मानित करेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड्स के द्वारा, जिन्हें आयोजित किया है उत्थान समिति ने। उत्थान समिति द्वारा डॉक्टर कलाम अवार्ड डॉक्टर कलाम साहब की मृत्यु के बाद शुरू किया गया था, और डॉक्टर कलाम अवार्ड देने वाली भारत में हमारी प्रथम संस्था है जो कि उनके नाम पर अवार्ड की शुरुआत की हम लोगों ने, और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम लोग उनके नाम पर भारत की प्रमुख हस्तियों को सम्मानित करते हैं। हम लोगों ने अब तक तमाम पद्मश्री पद्म विभूषण और पद्म भूषण से नवाजे जा चुके लोगों को सम्मानित करने का कार्य किया है, उसमें प्रमुख रूप से डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जो कि सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं और पिछले कई वर्षों से सफाई के लिए कार्य कर रहे हैं, और उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने स्वच्छता के लिए बहुत ही त्याग किया है और काफ़ी कार्य किए हैं, और उनको आज का गांधी भी कहा जाता है। डॉक्टर शोभना नारायण जो कि कथक गुरु हैं, मशहूर नृत्यांगना, और श्री उस्ताद अमजद अली खान साहब जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है और बहुत ही मशहूर हस्ती हैं, श्रीमती मालिनी अवस्थी जी फोक आर्टिस्ट मशहूर गायक जो कि पद्मश्री से सम्मानित हैं, श्री प्रकाश सिंह जी एक्स डीजी बीएसएफ, श्री गुलजार दहलवी साहब जो कि स्वतंत्रता सेनानी हैं और मशहूर कवि हैं, इनको भी पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित भारतीय सरकार कर चुकी है। ऐसी हस्तियों को हम लोगों ने सम्मानित किया है, और ऐसी हस्तियों को सम्मानित करने से हमारी संस्था का भी सम्मान बढ़ा है कि ऐसी ऐसी हस्तियां हमारे मंच पर आई।